देयर इज अ फेमस सेइंग, इट्स गुड टू हैव टू मच देन नॉट एनफ. इसका मतलब भी समझा दो पापा मैं. ओके फरवरी. फरवरी फरवरी फैब फरवरी फरवरी. मेरी हर एक वीडियो में एक कमेंट जरूर करते हो जो कि कॉमन कमेंट है मेरी वीडियोस में कि भाई आपके अंदर इतनी एनर्जी रहती कहाँ से है, इतने एनर्जेटिक आप कैसे रहते हो. तो भाई उसका आंसर एक ही है, पंजाबी सॉन्ग्स. तो भाई मैं जब भी लो फील करता हूँ ना मैं सिर्फ और सिर्फ पंजाबी सॉन्ग सुनता हूँ और मेरा मेन जो मेरा फेवरेट सिंगर है ना वो है सिद्धू मूसेवाला. तो भाई सिद्धू मूसेवाले के एक बार गाने सुनना और मुझे बताना जरूर कि कैसे लगे. और जो ऑलरेडी उनके फैंस हैं जो उनके गाने सुनते हैं ना एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करें बिना मत जाना. आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको सबसे महंगी सुपर बाइक्स दिखा रहा हूँ जो मेरे शोरूम में पड़ी है. मतलब दुनिया की सबसे महंगी नहीं, जो मेरे शोरूम में सबसे महंगी बाइक्स खड़ी है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि सेकंड हैंड बाइक्स होंगी और अच्छे प्राइस पे होंगी. आपको बड़ा मजा आएगा वीडियो देखने में. और हाँ, आज मेरा ना ऑफ था. ऑफ वाले दिन मैं शोरूम क्यों जा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ. पहले तो मुझे यार गाड़ी देने जानी सर्विस स्टेशन. आपको पता होगा थोड़े दिन पहले मेरा शीशा तोड़ दिया था गाड़ी का किसी ने, क्योंकि अब लॉकडाउन भी खुल गया है और सारे शोरूम्स और सर्विस स्टेशन मोस्टली खुल गए हैं. तो यार आपकी भी अगर क्लेम के लिए गाड़ी है, स्कूटर है, बाइक है, जो भी है ना, अब दे आओ, टाइम आ गया यार, तुम लेट हो रहे हो यार. तो भाई हाँ, आज एक ना शोरूम में बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं जिनको हमने H2 की डिलीवरी दी थी. याद होगा, आपने मेरी वीडियो जरूर देखी होगी अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो. H2 कार्बन जो हमने इंडिया की सबसे पहली बाइक डिलीवर करी थी 2020 में, आपको याद होगा यार, आपने पक्का देखी होगी वीडियो. अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर शेयर करूंगा, वीडियो जरूर देखना, मिलियन व्यूज आ गए यार वीडियो पे. तो चलो यार फटाफट से चलते हैं सर्विस स्टेशन, सर्विस स्टेशन से चलेंगे शोरूम, शोरूम में मिलेंगे भाई से और भी देखते हैं कौन कौन आया, वो सबसे मिलवाते हैं आपको और सारी बाइक दिखाऊंगा आपको जो जो मेरे स्टॉक में पड़ी है. और हाँ एक बात और यार, सबकी ना एक टैगलाइन होती है, हर एक यूट्यूब ब्लॉगर की ना टैगलाइन होती है जो कि वीडियो की स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं और सबको लर्न हो जाती है. तो यार वैसी एक लाइन ना मैं बनाने की सोच रहा हूँ. अगर आप लोगों के पास वैसा कुछ सजेशन होगा तो जरूर कमेंट्स में लिख के बताना कि भाई हर्ष भाई ये टैगलाइन बनाओ, बहुत बढ़िया बनेगी. बाकी मैं भी कुछ ट्राई कर रहा हूँ, आज से मैं शुरू करूंगा, अगली वीडियो तक पक्का एक लाइन जरूर बना दूंगा जो आपको पसंद जरूर आएगी. तो फटाफट से चलते हैं पार्किंग से गाड़ी निकाल और आपको भी ले चलते हैं. चलो भाई भाई ये देखो यार, ये था शीशा जो कि टूट गया था, मैंने टेपिंग कर दी थी थोड़े दिनों के लिए, और ये थी टेल लाइट जो कि तोड़ दी थी. तो भाई सबसे बड़ा चैलेंज है अब इस गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालना, क्योंकि अभी नया नया मैं शिफ्ट हुआ था. पार्किंग से गाड़ी बाहर निकालना, अंदर करना ना मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत नहीं है. तो भाई फटाफट से चलो यार, अब इंतजार नहीं हो रहा, बहुत देर हो गई यार. ओके यार चाबी नहीं लाया यार. अरे भाई दोबारा ऊपर जाके चाबी लानी पड़ेगी यार. क्या यार, भुलक्कर तो आपका भाई बचपन से ही है भाई, ऐसी बात नहीं है. मम्मी से और गालियाँ खाऊंगा, भुलक्कर भुलक्कर यही बोलेंगी मम्मी. देखना अभी भुलक्कर. मम्मा मम्मा चाबी भूल गया, चाबी भूल गया, मेरा ऊपर पड़ गया, ऊपर पड़ गया. तेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे को पता है मेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू निकम्मा है, निकम्मा रहेगा. अरे निकम्मा क्यों बोल रहे हो, भुलक्कर बोलो ना, मैं यही बोलता हूँ. और पता नहीं तीन चार चीजें और क्या बोलती है. चलो यार फटाफट से आपको ले चलते हैं, चाबी ले आया. तो भाई फाइनली हम पहुंच गए अपने कावासाकी के शोरूम में और पीछे गार्ड साहब ने सलाम नहीं करा आज. गार्ड साहब सलाम साहब. हाँ जय हिंद साहब, जय हिंद बोल दिया आज गार्ड साहब ने. तो भाई शोरूम पहुंच गए और मैंने अपनी गाड़ी वहाँ छोड़ दी है सर्विस स्टेशन. मैंने वहाँ पे कैमरा इसलिए नहीं निकाला था यार, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ना कम से कम चीज़ें बाहर निकाल रहा हूँ सेफ्टी की वजह से. तो मैंने कहा सीधा शोरूम आके आपको दिखाऊंगा यार यहाँ का क्या माहौल है.
बहुत बढ़िया। तो भाई जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं ना मेरे चैनल को, वो इनको पहचान गए होंगे ये कौन है। क्यों भैया? बाइक से चल रही है, थोड़े तो पहचानेंगे, थोड़े बहुत पहचान जाएंगे। 30-40% जनता में आदमी इतना बिजी रहता है, मैंने इनसे इतनी बार बोला अलीगढ़ आ जाओ, अलीगढ़ आ जाओ, अलीगढ़ आ जाओ। सर मॉल मॉल देखो ना, क्या करें बताओ। लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन खुलने के बाद भी बंदा अलीगढ़ नहीं आया, तो मैं आ गया। लॉकडाउन कहाँ खुला, अभी कुछ नहीं खुला, सब बंद है अभी हमारे लिए, सब बंद है अभी। मास्क मूस लगा के घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता हमारा। चलो यार फटाफट से ना अभी पानी पूनी पी के इनसे बात करते हैं सबसे। तो भाई हमने पानी पूनी पी लिया, फ्रेश हो गए हैं। भैया कह रहे हैं मुझे H2R लेनी है। भैया ये क्या बात होती है? अभी अभी तो H2 कार्बन दिया आपको। There is a famous saying, it's good to have too much than not enough. इसका मतलब भी समझा दो हमें। मतलब समझाओ। बहुत ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं पढ़ना चाहिए। ये तो बात सही बोली है। कम नहीं पढ़ना चाहिए। क्या बात? बहुत ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं। इसी ज्यादा दो H2R निकालो। दो H2R निकालो। अब भैया के लिए भी निकलवाओ। भैया कह रहा है हायाबुसा लेनी है। ये उन पागलों में से है जो ये उन पागलों में से है जो हायाबुसा को बेच के हायाबुसा ये बंदा हायाबुसा लवर है, एक बंदा कावासाकी लवर है। हमारे पास हायाबुसा भी खड़ी है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। मैं बता रहा था ना आज आपको मैंने बाइक्स दिखानी है जो हमारे पास स्टॉक में पड़ी है, आफ्टर मार्केट बाइक्स ना। सारी दिखा दे, सारी सारी दिखा दो, सारी महंगी बाइक दिखाऊंगा इनको। बट उनमें से एक इन्होंने पहले सेलेक्ट कर लिया भाई ने। लेकिन मुझे एक और नहीं लेनी, पुरानी बेच के नहीं लेनी। अच्छा पुरानी बेच के नहीं लेनी है। ठीक है ठीक है। भैया कितनी टच कर दी H2 कार्बन? ये तो मुझे नहीं मालूम, मुझे बस इतना मालूम है कि ये 190 पे था जब इसके ओवरटेक करके मैं बुलेट की स्पीड से निकला था। मतलब इन्होंने 200 प्लस टच कर दिया। और भैया ने ना सबसे बड़ी बात वेट कम करा भाई अपना। तालियां बजे इस चीज के लिए। डोला बड़ा हो जा रहा है, वेट कम हो जा रहा है, और क्या चाहिए। तो यार इसी के साथ क्या करें भाई? कुछ नहीं करना अभी तो, कुछ नहीं करना अभी तो है ना आपको। अभी आपको बाइक्स दिखाऊंगा इसके बाद, अभी कुछ खा पी लेते हैं। भैया कह रहे हैं कुछ खिला दो यार। तो हमने तो कुछ मंगाया नहीं, भैया ने कहा मैं खुद ही मंगा लेता हूँ। तो भैया ने अभी पिज्जा ऑर्डर करें, यही करा ना। तो पिज्जा वगैरह खा के उसके बाद आपको मैं बाइक्स दिखाऊंगा सारी महंगी, है ना। और लोगों का क्वेश्चन रहता है, क्या क्वेश्चन है कि बाइक कितने की है और क्या कहते हैं इसकी सर्विसिंग कॉस्ट क्या है और इसमें आपने जो मॉड्स लगवाए हैं उसकी कॉस्ट कितनी आई। तो उसके लिए जो फर्स्ट सर्विस का ब्लॉग बनाएंगे हर्ष भैया, वो उसमें होगा। बोले सोनिहाल सर श्रीकांत। और जैसे कि अभी मैंने जयकारा लगाया है ना, मतलब पाजी वो याद है चीज जब डिलीवरी हुई थी चीज, वो वाली चीज भाई। बड़े लोगों ने कमेंट करी कि ना भैया पठान है वैसे, हम ऐसे एक सिख के शोरूम में से एक पठान बाइक लेके जा रहा हूँ। और जो प्रेयर हुई थी वो क्रिश्चियन हुई थी, क्रिश्चियन प्रेयर हुई थी। तो मतलब सारे रिलीजन इकट्ठे होके इकट्ठे की तरह कितनी बढ़िया चीज थी यार। मतलब दिल छू गई थी। अगर नहीं देखी आपने वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रहा हूँ, वीडियो जरूर देखना। 1 मिलियन से ऊपर व्यूज हो गए ना। 1.1 भैया की पूरी पूरी नजर है। 2 मिलियन करने अभी उसको, तो वीडियो जरूर देखना है ना। चलो यार फटाफट से अभी कुछ खा के फिर आपको बाइक दिखाते हैं। ये हमारे शोरूम में ना जितने भी XL और डबल XL साइज आते हैं ना सर, वो आपके लिए आते हैं। थैंक यू। खत्म कर दिए सर आपने। अब नहीं बचे क्या? अब नहीं बचेंगे, अब नहीं बचे कोई XL डबल XL खत्म। स्मार्ट लग रहे हो सर। थैंक यू ब्रदर। ले लो सर 2-4 और ले लो। नहीं ले तो लूं, है नहीं ना। अच्छा व्हाट अबाउट मी? अरे आप तो हैंडसम भी यार, आपकी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है भैया। अनारकली लग रहा है, क्या बात है। अनारकली खाओ। तो भाई फाइनली 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 जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक करा होगा ना, गारंटी आपने इसीलिए करा होगा क्योंकि आपको बाइक्स देखनी होंगी कि इनके पास कौन कौन सा स्टॉक बचा हुआ है। तो भाई वो अब हम आपको दिखाने लगे हैं, है ना भाई? बिल्कुल शाबाश। बहुत क्या बोलते थे भाई सर। यार एकदम क्यों होता है, घर बैठा सब एकदम थोड़े ना होता भाई। आप तो वो कर रहे हो मतलब नैले पे डाला कितनी सारी बाइक्स है, सुपर बाइक्स का शौकीन है। जहाँ से इंडिया में कल्चर स्टार्ट हुआ था आप हैरान हो जाओगे, आज हमने उसको अपने शोरूम बुलाया। वो छोड़ो, वो आपको बाइक्स दिखाएगा हमारी तरफ से। ये भी करा सकते हैं। बताओ यार, है ना भाई की जान पहचान। मेरी नहीं है, इनकी थी वैसे ना। पैसा दिया है? पैसा दिया है, प्यार चाहिए। पैसा उनको दिया, प्यार आपसे चाहिए। तो चलो यार आपको फटाफट से बाइक दिखाना स्टार्ट करते हैं। मतलब अभी तक ना हम आपको ऐसे दिखाते थे कि 50,000 दो बाइक ले जाओ, 1,00,000 रुपए दो बाइक ले जाओ, मतलब डाउन पेमेंट वगैरह।
तो अब हम आपको, हमारे पास सबसे एक्सपेंसिव बाइक्स कौन कौन सी पड़ी है ना, वो आपको आप दिखाने लगे। बिल्कुल, आज तक की सबसे एक्सपेंसिव बाइक्स का सवाल यही है। और नॉन कावासाकी, नॉन कावासाकी सबसे एक्सपेंसिव बाइक्स जो हमारे पास पड़ी है वो मैं आपको दिखाने लगा। और जॉन इब्राहिम आने वाला है। पाजी सस्ता जॉन इब्राहिम। मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं। अरे वाह, छा गए वंडे भाई। आपके भाई ने वादा करा था जॉन इब्राहिम आएगा, जो कि आ गया। क्यों पाजी, गलत कह रहा हूँ? थोड़ा सस्ता लेके आया है। थोड़ा सस्ता लेके आया है, ज्यादा महंगा नहीं है। अच्छा भाई सब छोड़ो, मैं क्या कह रहा था पाजी, लोग सोच रहे होंगे हमने ड्रेसेस कैसे चेंज कर लिए, थोड़ी देर पहले तो हमने कुछ और पहना। तुमने बताया नहीं था? नहीं बताया ना भाई। बात कुछ ऐसी है, कल हम पूरी वीडियो बना नहीं पाया था, तो ये अगला दिन आ गया। तो आज हम आपको दिखाएंगे क्या क्या बाइक्स है हमारे पास। ठीक है पाजी, बिल्कुल शुरू करें। शुरू कर दें। बाबा जी का नाम लो पहले। जो बोले सो निहा। बोल सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ राहुल बता भाई बाइक के बारे में। सबसे पहले तो ये 2014 मॉडल है और 4300 किलोमीटर चली हुई है। पहले तो सबसे यार शॉकिंग चीज सुनो, प्राइस कितना मांग रहे हैं इसका? सिर्फ और सिर्फ 7.25। क्या? सिर्फ और सिर्फ 7.25, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी। इतना पास मत लेगा, इसका मुंह और बड़ा लगता है। अच्छा। तो भाई जो पहली बाइक है जो हम बेच रहे हैं वो है फैट बॉब 2014 मॉडल, और प्राइस भाई 7.25। भाई बाइक के सिनेमैटिक शॉट्स थोड़े एंजॉय करो, उसके बाद अगली बाइक पे आते हैं फटाफट से। जी बाजी अगली बाइक तो बताओ यार। जो ये अगली बाइक है ना, हाँ। ये मेरी ड्रीम बाइक थी जब मैं हार्ले में काम करता था। क्या बात कर रहे हो, ये है हार्ले डेविडसन फैट बाइक। मेरे पहले क्या क्या लगा दिया यार कस्टमर ने, पहले ये बताओ यार। ये पहले लोडेड है, ये तो फुली आप देखोगे, आप ऑक्सिलरी लैंप्स हैं आपकी, ये विंग्स लगे हैं इस गाड़ी पे, लेग गार्ड है, फुटबोर्ड्स हैं पीछे, रियर फुटबोर्ड्स हैं, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, टैंक कैप है, सब कुछ लगा हुआ है। अंदाजे से कितने कितने पैसे का सामान लगा हुआ है? ये अंदाजे से कि हार्ले की एक्सेसरी बहुत महंगी आती है, अंदाजे से 2.5 लाख का सामान है। तो भाई ये है फैट बॉय 2016 मॉडल, और पाजी रेट क्या मांग रहे हो? 13 लाख रुपए रेट मांग रहे हैं, जिसमें 2.5 लाख रुपए की तो एक्सेसरीज लगी हुई है भाई। समझ रहे हो ना तुम? भाई समझ नहीं रहे यार, ये समझ जाएगी, समझाओ यार। समझ गए। तो भाई ये इस बाइक का ना सिर्फ बाइक का रेट था जब ये बाइक आती थी, अभी भी आती है इनफैक्ट, कुछ चेंजेस आ गए हैं, बट जब ये बाइक थी तो 19 लाख रुपए की बाइक थी ना भाई। बड़ी बेची है यार इन्होंने, बहुत बेचैनी का कस्टमर है ये भी। लोगों को ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि भाई हम बाइक्स देखने आए हैं और आप इतनी सारी बातें कर जा रहे हो बट बाइक कम दिखा रहे हो, तो भाई आपको मजा कैसे आएगा? हरीश पाल जी, व्यूअर्स को ना हमेशा ऑनेस्टी चाहिए होते हैं जो कि आप देते हो, दैट इज द मेन पार्ट। थैंक यू सो मच यार। गिला गिली को नहीं बोल रहे हम, ये हम भी है, हम भी सच बोल रहे हैं, खाली हम भी है। इसने हर्ष भाई बोला ना, हर्ष भाई के साथ खा रहे हैं ऐसे थोड़ी ना होता। अगली बाइक दिखाओ। रियर बाइक है, गाड़ी का नाम है BMW Scrambler 19। ओ भाई। और इसकी USP है बाइक की सिर्फ 161 किलोमीटर चल रही है। 161 किलोमीटर, सही बता? हाँ सही बता यार राहुल। जर्मन कंपनी BMW का बेस्ट USP यही है कि 161 किलोमीटर चल रही है। नई गाड़ी है, 161 किलोमीटर, मतलब मैं ऐसे शौक ऐसे हो रहा हूँ जैसे मुझे पता नहीं था, बट मुझे पता था 161 चली हुई है, बट स्टिल यार मतलब 161 किलोमीटर चली हुई, लोग क्यों बेचते हैं बाइक यार? गाइस बॉक्सर इंजन, बताओ बॉक्सर इंजन, बीच में बाइक भी बॉक्सिंग भी करती है फिर भी बंदा बेच रहा है। बॉक्सर इंजन पता क्यों कहते हैं? ये इसका इंजन ऐसे वर्क करता है राहुल, मेरे साथ मुक्का मार रहा है ये ऐसे चलती है। तो ये बॉक्सर इंजन के साथ यार BMW Scrambler 18 मैन्युफैक्चरिंग 19 रजिस्टर्ड चंडीगढ़ नंबर है। तो जिसको भी बाइक चाहिए यार फटाफट से आ जाओ क्योंकि ये बाइक बहुत सस्ती है। कितने की भाई? सिर्फ 14। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि हम बहुत महंगी बाइकें बेच रहे हैं, मतलब महंगी रेट वाइज महंगी नहीं है बट एक्सपेंसिव बाइक्स हैं। तो ये 14 लाख रुपए की बाइक है, मतलब जो भी जेन्युइन कस्टमर होंगे, जिन जो इंटरेस्टेड होंगे प्लीज़ कॉन्टैक्ट करना। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भेज दूंगा, भेज नहीं दूंगा मतलब डाल दूंगा, लिख दूंगा, तो आप जरूर देखना और कॉन्टैक्ट करना राहुल को। राहुल देख रहा भाई महंगी बाइक से ना। हाँ जी हार्ले स्पेशलिस्ट अगली बाइक तो दिखा दो। ये है 1200 कस्टम, हाँ गाड़ी का नाम। अरे वाह, 2017 मॉडल है और
गाड़ी एक बार देखने दो कितनी चली। 2100 यार, फिर वही बात आ गई भाई, 2100 चली हुई बाइक बेच दी तुमने। पहली बाइक चली हुई 4000, ये तीसरी बाइक चली हुई है 161, ये चली हुई 2100। बोला कैमरा कहाँ जा रहा था भाई? मेरा कैमरा उधर जा रहा था यार, इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें ज़ज़ की आवाज़ आ रही थी ना, वो एसी ऑन था, तो सॉरी यार उसके लिए, अब मैंने ठीक कर दिया ना भाई। हाँ बंद कर दे, गर्मी में बनाएंगे। तो भाई बाइक का रेट क्या मांग रहे हैं हम? इसका मांग रहे हैं 7,25,000। बस ले लो यार भाई, जान है मतलब 1200। अगली बाइक पाजी जॉन अब्राहम सस्ता हमारा। जॉन अब्राहम आया ही इसलिए कि उस बाइक के बारे में बताने के लिए। आ जाओ यार फटाफट से आपको बाइक दिखाएं। धूम धूम धूम। राहुल बताया यार बाइक के बारे में। यार देखो पहले मैं अपनी बचपन की स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब ये फिल्म आई थी ना, मतलब केबल टीवी आता था उस टाइम पे, इस फिल्म को देखने के लिए मैं पागल था, और ये वाला सीन देखने के लिए तो पागल था पूरा। ये बंदा इतना पागल कैसे हो सकता है? ये भाई ये सोच रहा है कि मैं उस टाइम पागल था, बट इसकी गलत फहमी है, ये बंदा आज भी पागल है। तो राहुल बताया यार बच्चोदी कम काम ज्यादा बाइक के बारे में। ये बाइक है ना 2019 फैब रजिस्ट्रेशन है, और द बेस्ट पार्ट इज 1900 देख ले, फैब ही है ना, फैब रजिस्टर्ड ही है। अच्छा ओके, फरवरी। हां फरवरी, फरवरी फैब फरवरी। और भाइयों इसका जो बेस्ट पार्ट है वो है रेस फिट एग्जॉस्ट, रेस फिट टाइटेनियम एग्जॉस्ट। कौन सी कंपनी का है? रेस फिट। क्या बात है भाई, ओरिजिनल है। आवाज सुनो, सुनाइयो। क्या कह रहे हैं? दिल धड़क रहा है तेरे, बस की है नहीं, तेरे दिल ही धड़केगा ना, कमजोर दिल वाले। कमजोर दिल वाला भाई। रेट क्या है फिर बाइक का? ये जोन से पूछना, जोन ले रहा है। आप बताओगे भाई? ये यार 14 लाख मांग रहे हैं। मांग रहे हैं मतलब क्या क्या होता है? मतलब 14 भी बेचोगे ना? 14 भी बेचेंगे। हाँ तो ऐसे बोल रहे यार। यार एग्जॉस्ट के साथ तो 14 लाख मतलब बहुत वैल्यूएबल मनी। गाड़ी चली कितने बता दो? एग्जॉस्ट है कितने का? एग्जॉस्ट है कितने का ये बता। ये ऑलमोस्ट आपका पड़ता है 2,20,000 का पूरी यूनिट। मतलब 2,20,000 का एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट। और बाइक कितने की थी ये उस टाइम? उस टाइम पे कस्टमर ने परचेज करी थी 16,10,000 की। 16,10,000 की बाइक है, 2019 मॉडल है। 19 मॉडल ओके, 2,20,000 का एग्जॉस्ट लगा है। हाँ ठीक है, तो मान के चलो 18-18.5 लाख, बाकी भी बहुत कुछ लगा है। 18.5 लाख की गाड़ी बनती है। गाड़ी चली कितनी है? फ्रेंच राइडर भी है। कितनी चली है राहुल? गाड़ी चली कितनी है? 1900 1900 भाई किलोमीटर सुन गए ना आपका भाई, अपनी शक्ल दिखाई देता है। मतलब हैरानी की बात है, हायाबुसा कोई लेके 16 लाख रुपए की बाइक लेके 2 लाख के एग्जॉस्ट लगा के बाइक बेच देता है। शौक बहुत बड़ी चीज, मेरे पास भी पैसा होगा मैं भी शौक करूंगा। WTF व्हाट द फ्राइडे फ्राइडे कर ले। तो यार मतलब समझ से बात, 2000 चला के आप हायाबुसा बेच रहे हो ना, तो इट्स लाइक कि बेचो, हमारे पास अभी आएगी ऐसी बाइक। बेचो बेचो। तो भाई इसके अलावा भी ना हमारे पास कुछ बाइक्स हैं जो कि हरमीत भाई बताएंगे, डिटेल्स बताना भाई। एक तो ये BMW बता दो। एक BMW है 310 GS, और नहीं 310 GS के वो बताओ ना, 2019 मॉडल है। 19 मॉडल है। कितना पैसा मांग रहे हो? हम उसका 2,80,000 भाई, 2,80,000 रुपये की सिर्फ। मतलब ये महंगी बाइक्स के बाद जो हम दिखा रहे हैं वो थोड़ी सस्ती बाइक्स भी हमारे पास पड़ी हुई है अभी भी। हमारी दो बाइक्स है। हाँ मैं बता देता हूँ पूरी। एक तो BMW है, ये GS 310 जो कि हम 2,80,000 रुपये की बेच रहे हैं। सिंगल सिलेंडर बाइक है, बहुत सुंदर है, अगर आपको अभी दिखाऊंगा। चलो साथ साथ आपको सिनेमैटिक्स दिखाई देता है। फर्स्ट ओनर बन सकते हो ना अमीदिया? बिल्कुल। तो वल्कन एस पड़ी है कुछ 6-7,000 किलोमीटर चली हुई है। 45,000 18 मॉडल बिल्कुल नई गाड़ी है। फर्स्ट ओनर मतलब 4.5 लाख है, 3 साल की वारंटी भाई। मतलब ही नहीं है ना लेने का, आप तो ले सकते हो भाई। 3 साल की वारंटी दूंगा। तू दे रहा है 3 साल की वारंटी? अरे भाई और क्या चाहिए, एक वल्कन है, एक निंजा 650 बची है। आज तो बिकी क्या हो गया? और आपके चक्कर में बिकी है। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या है बाइक के? तो भाई यही बाइक है। थोड़ी और भी बाइक से थोड़ी देर में बताता हूँ, सांस ले लूँ, पानी ले लूँ, है ना?
फोन कर करके पागल कर दिया। कहीं नहीं गया मैंने फोन। क्यों इतने क्या हुआ क्या हुआ मेरे को भी बताओ क्या हुआ। 20 फोन पता नहीं यार मुझे लगता है मैं अकाउंट सेल्स के नहीं अकाउंट्स का बंदा हूं। दिन में 20 बार फोन करती है। हां जी आपकी सीए करने की गलती है। आपने सीए क्यों करा बताना नहीं चाहिए था मैंने इसको कि मुझे अकाउंट की नॉलेज है। हेल्प कर दो यार हेल्प कर दो बच्ची है। कोई नहीं भाजी बता दो सिखा दो। घुटना पे के बैठी खड़ी हो भाजी। इसकी हाइट इतनी है यार आप घुटने पे। अच्छा सर में लगे घुटने पे बैठी है। तो भाई इसकी हाइट इतनी है किसी को लग रहा हो कि घुटने में बैठी है। मैम बताओ ना इतनी है तो भाई मैं फाइनली अपना होमवर्क अब करके आया हूँ। मुझे अब पता लग गया कि कौन सी बाइक्स बिक गई हैं कौन सी नहीं बिकी हैं। तो भाई मेरे पास ना कुछ और भी बाइक्स हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास एक Z900 पड़ी है Z900 ग्रीन कलर 2018 रजिस्टर्ड 18 मैन्युफैक्चरिंग। वो बाइक हम बेच रहे हैं 7 लाख रुपये की है ना। इसके अलावा मेरे पास ना मेरे एक फ्रेंड है वो भी बाइक्स का काम करता है तो वो भी बता रहा था कि अगर आप बोल सकते हो तो अपनी वीडियो में बोल देना। तो मैं कोई दिक्कत नहीं बोल देते हैं भाई। तो उसके पास भी बाइक्स हैं वो ट्रस्टेड है बंदा मेरा दोस्त ही है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक उसके पास जिक्सर पड़ी है 2015 मॉडल 16 रजिस्टर्ड हरियाणा नंबर सिंगल ओनर 1,60,000 रुपये की ठीक है। उसके बाद एक कस्टम 1200 पड़ी है सिंगल ओनर है DL रजिस्टर्ड है और 2017 मॉडल ABS है ABS के साथ है 6,40,000 रुपये वर्थ है यार ओके। एक हार्ले 83 पड़ी है 2013 मॉडल दिल्ली रजिस्ट्रेशन दिल्ली नंबर है सिंगल ओनर है 4,15,000 रुपये की ये भी पड़ रही है। डन है यार ठीक है बहुत बढ़िया प्राइस है यार 4,15,000 रुपये। किसी को चाहिए होगी बता देना यार मुझे। एक बनैली 600 आए पड़ी है सेकेंड ओनर है आई गेस यस सेकेंड ओनर है 2017 मॉडल विद ABS 4,60,000 रुपये ओके वैल्यू फॉर मनी। बनैली 300 आए सिंगल ओनर 1,95,000 सही है। अबे ले लो भाई इसके पास बाइकें बड़ी अच्छी पड़ी है मैंने तो अब देखी है। ये अपना स्ट्रीट 750 2016 मॉडल सिंगल ओनर 3,17,000 रुपये। मैं इससे पूछ लूँ क्या इसने गलती से इतनी रेट लिख दी है। सही है यार। एक Z800 पड़ी है भाई धमाका है ये तो Z800 तो ले लो यार जिसको चाहिए फटाफट से उठा सकते हो 2016 मॉडल सेकंड ओनर 6,20,000 रुपये मांग रहा है। रेट इसका ठीक है ले सकते हो। हायाबुसा है एक 2010 मॉडल सिंगल ओनर दिल्ली VIP नंबर है वाइट कलर है 8,10,000 रुपये की ये भी सही है। तो भाई ये भी कुछ बाइक्स हैं अगर किसी को चाहिए हो तो बता देना यार मतलब वैल्यू फॉर मनी है जितना मुझे सही लगा कि ठीक बाइक्स है रेट भी ओके बता रहा है। तो चलो यार वीडियो भाइयों के साथ क्लोज करते हैं चल के। क्या बात होगी भाई इतनी भीड़ क्यों लगाई हुई है पाजी क्या बिल बना रहे हो ये बिल यार मास्क का बिल बना रहे हैं मास्क बेच रहा हूं मैं। लो जी पाजी आप चप्पल बेचते हो कावासाकी की जूते बेचते हो आज मास्क नहीं बेचने लग गए। वही कहते ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जाने तो जाने। साहिल कितने का बेच रहा भाई जीवी का मास्क। अच्छा मैं आपको बता दूं पहले नहीं नहीं इनको बताओ तो सही जीवी हमारा ही ब्रांड है। पहली बात तो यार हम जीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर आपको पता ना हो तो हम जीवी के सेडल बैग्स पैनियर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जीवी की। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा वेबसाइट का। और भाई अब ये बता कि मास्क कितने का बेच रहा तू। मात्र 2900 रुपये का मास्क है बट ये वो वाला मास्क नहीं है जो हम सब ने पहना हुआ है वैसे वाला नहीं ना भाई कोविड से बचने वाला वाला ये राइडर्स मास्क है। ये भी निकलता है इसके अंदर अगर आप इन दिनों राइड पे जा रहे हो और कोविड से डर के राइड पे जा रहे हो तो मास्क जरूर लगा के जाना। 2900 रुपये मात्र यार राइडर मास्क है सस्ता थोड़ा ना मिलेगा। सही बात 100-200 वाली चीज़ नहीं है भाई हमारे यहाँ पे। पाजी 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 नहीं यार तो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है यार छोटी कर दे नहीं एंड कर दो ना कर दे भाई बाहर मौसम हो रहा है बहुत ज़बरदस्त है पाजी। सी पकौड़े खा लिया पकौड़े राहुल कह रहा है मैं पीऊँगा झूठ बोलता नहीं पीता चाय फिर भी बात नहीं चाय 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 ओनली कोल्ड ड्रिंक पक्की बात पक्की बात। तो भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। ये बंदा बहुत बोलता है मैं भी बहुत बोलता हूँ तो हम बोलते बोलते ना पागल कर देंगे आपको है ना भाई है ना भाई पागल हो गए होंगे बाल पकड़ के बैठे हो ये इतने बाल पकड़ते हैं इसके लंबे हो जा रहे हैं। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना फिलाना करना ढिमकाना करना भाई और कुछ करना बस घंटा भी दबा देना। तो भाई साहब गाड़ी भी लेने आ रहे हो। हाँ नहीं नहीं भाई काम कराना है जिसको लेनी है वही आए और नहीं तो फ़ोन पे करके पूछे मतलब फ़ोन करके पूछे हमें उसके बाद हमें आपको हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको सूट करेगी आप बाइक लो नहीं करेगी कोई दिक्कत नहीं है अगली बाइक लेना अगली बार दिखाएंगे अगली बार लेना कोई दिक्कत नहीं है बाइक हमसे लेना क्यों भाई बिल्कुल बाइक लेनी है तो
कावासाकी वैसे इसको आता है भाई, आपको नहीं आता ये बात? मैं पूरे आपकी वीडियो सारी देखे ना, सारी बाइक लेनी है तो कावासाकी वैसे बेस्ट दिल्ली से लेनी है भाई। ठीक है भाई, इससे भी अच्छी वीडियो में मिलते हैं फिर अगली, है भाई? ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, चल साथ।